हेलो फ्रेंड्स, हम बीएससी फाइनल ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस और बीएससी फाइनल ईयर ओल्ड सिलेबस के अनुसार बीएससी थर्ड ईयर के लिए पहला पेपर एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। आज हम एम्ब्रियोलॉजी का सबसे अंतिम टॉपिक, इसे कहते हैं एंडोस्पर्म भ्रूणपोष, ये सबसे लास्ट टॉपिक है। हम पूरी एम्ब्रियोलॉजी पढ़ चुके हैं, सबसे लास्ट में ये छोटा सा टॉपिक बचता है, इसका नाम है और इस पर हम डिस्कस करना चाहते हैं और एंडोस्पर्म, हिंदी में कहेंगे इसको भ्रूणपोष। हिंदी में इसे हम कहते हैं भ्रूणपोष। तो देखो, हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि जब हमने द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन की बात की थी निषेचन के समय, तो उस समय बताया था कि दो नर युग्मक भ्रूणकोष में प्रवेश करते हैं, एम्ब्रियो सैक में दो नर युग्मक प्रवेश करते हैं, जिनमें से एक नरयुग्मक का निषेचन या संलयन तो होता है अंडकोशिका से, जिससे बन जाता है जायगोट और जायगोट से गर्भ बनता है एम्ब्रियो, वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन जब होता है तो डबल फर्टिलाइजेशन में जो सेकंड या दूसरा जो नरयुग्मक बचा हुआ है, दूसरा नरयुग्मक जो बीच में सेंट्रल सेल है उनके साथ संलयित होता है और उनके साथ संलयित होकर फिर अब वो एंडोस्पर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस त्रिगुणित या 3N होता है, इसको हम कहते हैं त्रिक संलयन या डबल फर्टिलाइजेशन। उसमें देखो, सेंट्रल सेल जो है वो ध्रुवीय केंद्रक जो दो होते हैं, एक केंद्रक और दूसरा ये दोनों ध्रुवों से आते हैं, ठीक है। यहाँ पर एंटीपोडल सेल्स हैं, यहाँ पर दो सहायक कोशिका और एक अंडकोशिका है, ये दोनों जो बीच में है इनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। पहले हम कहेंगे पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। उसके बाद ये दोनों न्यूक्लियस जो है वो एक हो जाते हैं, तो ये एक होने के बाद अब ये एक सेल बनाते हैं और ये सेल खुद 2N होती है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल सेल। ये निषेचन से पहले हो सकता है, ठीक है। तो यहां दो का संलयन तो ये हो गया और एक आता है मेल गैमेट, तो वो भी एन वाला होता है, तो इस तरह से ये 3N या इसको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN कहते हैं। तो इस तरह से हमें डबल फर्टिलाइजेशन होने से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। अब इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष का निर्माण होता है। अब देखो, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं तो जैसे ये भ्रूणपोष था, यहां पर ये युग्मनज बना, ये पूरा भ्रूणपोष है, तो धीरे धीरे जब युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है तो उस समय यदि युग्मनज के द्वारा इस पूरे के पूरे भ्रूणकोष का उपयोग कर लिया जाए, यानी कि अगर भ्रूण के डेवलपमेंट के दौरान संपूर्ण एंडोस्पर्म या भ्रूणकोष का उपयोग कर लिया जाता है तो उसे हम कहते हैं अभ्रूणकोषी, और अगर ये भ्रूणकोष बचा रहता है तो उसे हम कहते हैं भ्रूणकोषी। कुछ तीन कुल हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए तीन कुल हैं, एक तो है ट्रैपेसी, एक है पोडोस्टिमेसी और एक है आर्किडेसी। इनमें
भ्रूण कोष यानी कि एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, ये आपको याद करना है। एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, इनके अंदर बिल्कुल भी एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है। ट्रेपेसी, ओडोस्टिमेसी और ऑर्किलेसी, ये आपको जरूर याद करना है, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन हमेशा ध्यान रहे, नॉर्मल चीज से कभी नहीं आता है, हमेशा क्वेश्चन अपवाद से पूछा जाता है। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करिए, क्वेश्चन हमेशा आपको अपवाद से मिलेगा। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन मतलब सभी आवर्तविजी पादपों में भ्रूणपोष पाया जाता है, ये बड़ी बात नहीं, नहीं पाया जाता वो बड़ी बात है। तो इनमें ट्रेपेसी, पोडोस्टिमेसी और ऑर्किडेसी, ये तीन कुल ऐसे हैं जिनके अंदर भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है। उसके बाद कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें भ्रूण के डेवलपमेंट में संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग कर लिया जाता है, तो उन्हें हम कहते हैं भ्रूणपोषी। और जिनमें भ्रूणपोष शेष रहता है थोड़ा बहुत, उन्हें हम कहते हैं अभ्रूणपोषी, ठीक है। तो भ्रूणपोषी के अंदर देखो, जैसे अरंडी है, गेहूं है, और इसमें देखो मटर है, चना है, तो इनके अंदर ये एग्जाम्पल आपको थोड़े से याद करने हैं। ये भ्रूणपोषी में भ्रूण के डेवलपमेंट के दौरान जो भ्रूणपोष है उसमें से थोड़ा बहुत शेष रह जाता है, और जो अभ्रूणपोषी है उनमें भ्रूणपोष बिल्कुल भी शेष नहीं रहता, संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग कर लिया जाता है, ठीक है। एक नाम आता है पेरिस्पर्म या परिभ्रूणपोष, ये नाम और आता है भी। तो देखो, न तो भ्रूणपोष इंपोर्टेंट है, न अभ्रूणपोष इंपोर्टेंट है, सबसे इंपोर्टेंट है परिभ्रूणपोष। ये आपको याद रखना है कि परिभ्रूणपोष क्या है। देखो, जैसा कि नाम से अगर आप कंफ्यूज होंगे तो सीधे सीधे कंफ्यूज रहेंगे, भाई भ्रूणपोष है, अभ्रूणपोष है, परिभ्रूणपोष है। तो ये परिभ्रूणपोष भ्रूणपोष से संबंधित तो बिल्कुल नहीं है, और ये मैंने आपको पढ़ाया था जब बीजांड काय हमने पढ़ा था उस समय न्यू सेलस, कि जब भ्रूण कोष का डेवलपमेंट होता है, भ्रूण का नहीं, भ्रूण कोष का, जब भ्रूण कोष का डेवलपमेंट होता है तो संपूर्ण जो न्यूसेलस है या बीजांड का है उसका उपयोग कर लिया जाता है। लेकिन एक पाइपरेसी कुल है, उसके अंदर इस बीजांड काय की एक पतली सी परत भ्रूण कोष के चारों तरफ पाई जाती है या रह जाती है, उसे हम कहते हैं परिभ्रूण कोष। पाइपरेसी कुल में भ्रूण कोष के डेवलपमेंट के दौरान एक पतली सी परत या हल्की परत, थिन लेयर, बीजांड काय की भ्रूण कोष के चारों तरफ पाई जाती है या शेष रह जाती है, तो उसे हम कहते हैं परिभ्रूण कोष। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ना भ्रूणपोष इंपोर्टेंट है और ना ही अभ्रूणपोष, परिभ्रूणपोष सबसे इंपोर्टेंट है। तो अब अगर हम देखें आवर्तविजी पादपों में, तो डेविस ने कुल 288 कुलों का अध्ययन किया था, जिनमें से 250 कुलों के आंकड़े हमारे पास है, 250 फैमिलीज की जो डेटा है वो हमारे पास है। तो इनमें से देखो, तीन प्रकार के जो एंडोस्पर्म है वो एंजियोस्पर्म पादपों में पाए जाते हैं। नंबर एक न्यूक्लियर या केंद्रकीय, नंबर सेकंड इज सेलुलर या कोशिकीय, और नंबर थर्ड इज हीलोबियर। तो देखो, इनमें से हमारे पास 250 के आंकड़े हैं, 288 कुलों में से 250 कुलों के डेटा हमारे पास है। तो इन्होंने 250 में देखा कि न्यूक्लियर जो है वो 161 फैमिली के अंदर पाया जाता है, सेलुलर जो है वो 72 फैमिली के अंदर होता है, और ये जो हीलोबियर है ये 17 फैमिली के अंदर होता है। तो इस तरह से कुल ये 250 फैमिली के आंकड़े बताते हैं कि भाई सबसे ज्यादा मात्रा में न्यूक्लियर एंजियोस्पर्म पाया जाता है। तो एंजियोस्पर्म में अगर ये क्वेश्चन आता है कि एंजियोस्पर्म में सामान्यतः
कौन सा भ्रूणकोश होता है, तो क्वेश्चन का आंसर रहेगा केंद्रकी या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो हम यहां पर तीनों प्रकार के एंडोस्पर्म की बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियर, पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। नंबर वन इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो देखो एग्जांपल के लिए हम, अब देखो ऐसे ये है भ्रूण कोष था, ये इसके अंदर ये युग्मनज बन गया था यहां, और यहां पर बन गया था बड़ा सा ये PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN। ठीक है, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र। अब हम केवल अपने अध्ययन के अनुसार, अपनी स्टडी को सरल करने के लिए केवल हम इस भ्रूणकोश के अंदर या सॉरी भ्रूणकोश के अंदर केवल हम इस PEN को लेते हैं, PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसके अंदर देखो पहली बात तो ये कि इसका हमको नाम ही दे रखा है न्यूक्लियर केंद्र की है, इसका मतलब ये है कि अधिकतर अवस्था में जो भ्रूणकोश है वो केंद्रक के रूप में होगा, मतलब मुक्त केंद्रक के रूप में होगा। सेलुलर स्टेज बाद में आएगी, अगर आएगी तो। ठीक है, न्यूक्लियर का मतलब होता है कोश केंद्रक की है, और केंद्र की अवस्था का मतलब है कि जो हमारा एंडोस्पर्म है वो मुख्य रूप अवस्था में केंद्र की अवस्था में रहेगा। तो कैसे, ये जो केंद्रक है ये बार बार विभाजित होता है, और बार बार विभाजित होने के बाद बहुत 256, 512 और भी ज्यादा केंद्रक यहाँ पर ये बना होता है इस तरह से। ठीक है, और ये केंद्रक फिर बाद में धीरे धीरे जो परिधि होती है उस परिधि की ओर आ जाते हैं यहाँ, तो बीच में एक गुहिका बना लेते हैं इस तरह से। ऐसे ठीक है, उसके बाद इनमें भित्ति का निर्माण होता है। ठीक, तो भित्ति का निर्माण होने से और इनमें धीरे धीरे जो केंद्रकीय भ्रूणकोश है वो कोशिकीय होने लगता है इस तरह से। ठीक है, और ये सब अब यहां पर इस तरह। ठीक, धीरे धीरे ये सब पूरा कोशिकीय हो भी जाता है और नहीं भी होता है। ठीक है, तो ये है हमारा केंद्रकीय प्रकार का भ्रूणकोश। तो एक दो प्लांट्स हैं जैसे लिमनेथस ऑक्सीस्पोरा, एक तो है लिमनेथस लिमनेथस और दूसरा है ऑक्सीस्पोरा। इनके अंदर ये हमेशा न्यूक्लियस फॉर्म में, न्यूक्लियर फॉर्म में रहता है, इसमें कभी भी ये कोशिकीय नहीं होता, हमेशा न्यूक्लियर फॉर्म में केंद्र की अवस्था आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, एक बात और है कि जब भित्ति का निर्माण होता है तो भित्ति हमेशा परिधि से केंद्र की तरफ बनेगी, हम कभी भी केंद्र से परिधि की ओर नहीं बनेगी, हमेशा परिधि से केंद्र की ओर बनेगी। और इसमें केंद्र की एग्जाम्पल देखो ज्यादातर मोस्टली यही होता है, लेकिन फिर भी जैसे नॉर्मली कोई भी गुलाब रुबरेसी केसी है, मालवेसी है, क्रूसिफेरी है, सॉरी लेगुमिनेसी है, इन सब के अंदर न्यूक्लियर प्रकार का जो भ्रूणकोश है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है बात वो भी कोकोनट की है, तो कोकोनट जो है नारियल, इसके अंदर भी आपको केंद्र की है भ्रूणकोश देखने को मिलता है। ये यहाँ पर एक क्वेश्चन है, केंद्र की है भ्रूणकोश देखने को मिलता है।
अब देखो बात यह है कि जब नारियल डेवलप हो रहा है, यानी कि नारियल जब पेड़ पर लगा हुआ है और उसमें डेवलपमेंट चल रहा है, तो शुरुआत में जो भ्रूणकोश होता है उसमें सारे केंद्रक द्रव होते हैं, यानी कि सिंसिशियम के रूप में होते हैं। एक ही जगह पर बहुत सारे केंद्रक होते हैं, वृद्धि नहीं होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं द्रव सिंसिशियम, लिक्विड सिंसिशियम। और सिंसिशियम जो है कंडीशन, सिंसिटियम का हो या सिंसिशियम का हो, उसमें क्या होता है कि एक ही सेल के अंदर बहुत सारे केंद्रक होते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि बहुत सारे केंद्रक एक ही जगह पर है, उनमें बहुत सी वृद्धि नहीं है, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं द्रव सिंसिशियम। उसके बाद जब धीरे धीरे टाइम निकलता है तो देखो शुरुआत में गिरी नहीं होती है नारियल के अंदर, शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो उसमें केवल द्रव होता है जिसमें केंद्रक होते हैं, गिरी नहीं होती है। लेकिन जब टाइम गुजरता है और धीरे धीरे अंदर से जो पानी है वो सूखने लगता है, तो इसका मतलब सूखने से मतलब नहीं है, सूखने से मतलब नहीं है, बात यह है कि जो केंद्रक है वो सब परिधि पर आते हैं, और परिधि पर आने के बाद उनके चारों तरफ क्या बनता है, उनके चारों तरफ बनता है भित्ति। और धीरे धीरे लास्ट तक जब आप देखेंगे केवल जब नारियल पक जाता है उसमें केवल पानी बनने लगता है, तो उसमें केंद्रक नहीं होते हैं, उसमें केंद्रक नहीं होते हैं, वो सब पानी होता है द्रव जिसमें बहुत सारे खनिज लवण उपस्थित होते हैं। केंद्रक जो है वो सारे भित्ति बन चुके हैं, और भित्ति बनने के बाद अंदर की सतह पर एक सफेद रंग की गिरी जिसको हम कहते हैं कच्ची गिरी, नारियल की कच्ची गिरी का निर्माण होता है। एक सुपारी अकेसिया कैटेचू, सुपारी के अंदर भी आपको ये देखने को मिलेगा इसी प्रकार का भ्रूणकोश, लेकिन वहां पर जो भ्रूणकोश है वो धारीदार होता है, धारीदार कहो या इसको झुर्रीदार कहो। शुरू में देखो ये द्रव होता है लेकिन उसके बाद ये सख्त हो जाता है, ठीक है, और सख्त होने के बाद इसमें धारियां बन जाती है, झुर्रियां बन जाती है। तो इस प्रकार के भ्रूणकोश को हम कहते हैं चर्वितार भ्रूणकोश, क्या कहेंगे इसको, चर्वितार एंडोस्पर्म, रूमिनेट, चर्वितार मतलब रूमिनेट, रूमिनेट या रूमिनेटेड एंडोस्पर्म, चर्वितार भ्रूणकोश। जब भ्रूणकोश में नारियां बन जाए तो फिर वो सुपारी के अंदर भी आपको दिखाई देती है जब आप उसको काटते हैं, तो इस प्रकार के भ्रूणकोश को हम कहते हैं चर्वितार या रूमिनेटेड एंडोस्पर्म। तो ये एंडोस्पर्म है न्यूक्लियर। नेक्स्ट इज सेलुलर, सेलुलर भ्रूणकोश में आप देखेंगे तो इसका नाम ही सेलुलर है, इसका मतलब है कि मुक्त अवस्था नहीं पाई जाएगी, केवल कोशिकीय अवस्था पाई जाएगी, मुक्त अवस्था इसके अंदर नहीं होगी, केवल कोशिकीय अवस्था होगी। जैसे पहले ये है हमारा टॉपिक है सेलुलर सेकंड नंबर, तो ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN, तो इसको आप देखेंगे तो भाई एक से दो बने, दो से फिर ये चार बने इस तरह से, और ज्यादा बन जाएंगे, अब ये बहुत सारे बन जाएंगे इस तरह से, तो पूरा जो भ्रूणकोश है वो यहाँ पर कोशिकीय हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के भ्रूणकोश में आपको कोई भी मुक्त केंद्र की या फ्री न्यूक्लियस स्टेज देखने को नहीं मिलेगी, ये अवस्था कहलाती है कोशिकीय, और इस प्रकार की अवस्था भ्रूणकोश को हम कहते हैं कोशिकीय भ्रूणकोश। तो ऐसा आपको वर्मेस्कस में, एनोला में, मायोसोटिस में, दुनिया डॉक्सा में, दुनिया भर के प्लांट्स हैं जिनके अंदर आपको इस तरह के भ्रूणकोश देखने को मिलते हैं या मिलेंगे। थर्ड इज फिलोबियस, तो देखो हीलोबियल जो है वो इंटरमीडिएट है दोनों का, इंटरमीडिएट है, इसका मतलब है कि इसमें सेलुलर भी होता है और न्यूक्लियर भी होता है, दोनों प्रकार के भ्रूणकोश आपको यहां पर दिखाई देंगे, सेलुलर भी और न्यूक्लियर भी। तो इसमें देखो जब
एक ये है कंडीशन इस तरह से, ये भ्रूण पोस्ट कंडीशन पीईएम। चलिए बोला, जब इसमें सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन होने के बाद भ्रूण पोस्ट में दो गुहा बनती है, लेकिन जब इसमें पहला अनुप्रस्थ विभाजन होता है, इससे ये पहला अनुप्रस्थ विभाजन हुआ तो इससे दो गुहा बनती है। मान लो ये बीजाणु द्वारे की तरफ है इस तरह से, तो एक तो बनता है बीजाणु द्वारे प्रकोष्ठ और एक बनता है निभागीय प्रकोष्ठ, चैलेंजल चैम्बर। ठीक है, तो निभागीय प्रकोष्ठ की तुलना में जो बीजाणु द्वारे प्रकोष्ठ है बड़ा होता है। तो इस तरह से इसमें दो प्रकार के प्रकोष्ठ और दोनों में दो प्रकार के आपको केंद्रक देखने को मिलेंगे। तो देखो बीजाणु द्वारीय प्रकोष्ठ के अंदर आगे चले हम, तो जो बीजाणु द्वारीय प्रकोष्ठ है इसके अंदर आपको बहुत सारे केंद्रक देखने को मिलेंगे, इस तरह से बहुत सारे केंद्रक देखने को मिलेंगे। और इसमें जो निभागीय प्रकोष्ठ है इसमें आपको या तो केंद्रक बहुत कम मिलेंगे या फिर नष्ट हो जाते हैं, इस तरह से। ठीक है, अब निभागीय प्रकोष्ठ में अगर हम देखेंगे तो इसमें तो धीरे धीरे जब आप आगे चलेंगे तो जो बीजाणु द्वारे प्रकोष्ठ है वो तो धीरे धीरे कोशिकीय हो जाता है इस तरह से, और केंद्रकों का निर्माण हुई केंद्राभिसारी क्रम में, इनकी परिधि से केंद्र की ओर होता है इस तरह से, ये तो पूरा केंद्र की हो जाता है, सॉरी कोशिकीय हो जाता है। अब इसमें जो केंद्रक हैं वो या तो नष्ट हो जाते हैं और इसका जो कोशिका द्रव्य वो भी नष्ट हो जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पर बन जाती है कैविटी या गुहा। और इस गुहा को फिर जो बीजाणु द्वारीय भ्रूण कोष है उसके द्वारा भर दिया जाता है। तो ये भाई हीलोवियल जो कुल है, हीलोवी कुल के सदस्यों में इस प्रकार का भ्रूण कोष पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि तीन प्रकार के भ्रूण कोष पाए जाते हैं, न्यूक्लियर, सेलुलर और हीलोवियल। तो ये देखो आज जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे एम्ब्रियोलॉजी के वो समाप्त हो चुके हैं। अब हम छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको मैं पढ़ाऊंगा, एक तो है पॉली एम्ब्रियोनिक बहुभ्रूणता, एक है अनिषेक जनन और एक है असंग जनन, और उसके बाद थोड़ा बहुत हम कायिक जनन के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।